नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। ट्रांसफॉर्मर के एमसीक्यू लेके हाजिर हूँ पीजीसीआईएल और यूपीपीसीएल जेई के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन एमसीक्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन के ना टॉपिक वाइज करेंगे, पहले ट्रांसफॉर्मर के जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो करेंगे, इसके बाद डीसी मशीन्स के आएंगे, फिर इंडक्शन मशीन्स के आएंगे और एस कॉन्टिन्यूसली सिंक्रोनस मशीन तक पूरी मशीन्स को खत्म करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल हैज हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी। इसमें से कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल जो ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है उसकी हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी होती है, ज्यादा टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी होती है, ये है एमसीक्यू। ठीक है, पढ़िए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल हैज हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी। तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको। ठीक है, हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी किसकी होती है? ठीक है, तो हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी होती है हमारी किसकी? माइका की। ऑप्शन सी आएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफॉर्मर इज टर्म्ड एज। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो नॉइस प्रोड्यूस होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखे हैं? पहला ऑप्शन है जूम, बिल्कुल गलत है, जूम उसका नहीं होता। ठीक है, हम, यस, उसको बोलते हैं हम, हमिंग साउंड जो नॉइस प्रोड्यूस होते हैं ना, उसको बोलते हैं हमिंग साउंड ट्रांसफॉर्मर के अंदर। सब स्टेशन के अंदर कभी आपने विजिट किया होगा, जिन्होंने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रखी है, अपनी ज्यादातर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ना सबस्टेशन से ही करनी चाहिए। ठीक है, जो सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर से पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं होती, सबस्टेशन पे जाके अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं ना, ट्रांसफॉर्मर के बारे में बहुत ज्यादा देखने और सीखने को मिलता है। हालांकि बताते तो बहुत कम है वहां पे बंदे, जनरली जब जॉब लग जाती है, जेई बन जाते हैं, तब जाके ज्यादा समझ आता है, लेकिन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे थोड़ा बहुत एक दो दिन देखने को मिल जाता है। तो वहां पे जब मैं अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जब गया था सब स्टेशन के अंदर, तो वहां पे भी ट्रांसफॉर्मर जो था स्विच यार्ड में लगा हुआ की साउंड निकालता है। ठीक है, जो हमारे सब स्टेशन होते हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, 132 kV के, ठीक है, 220 kV के, वहां पे क्या होता है? हमिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, वो जो नॉइस प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इफ द ट्रांसफॉर्मर इज कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेटेड मैक्सिमम टेम्परेचर राइज अकर इन। अगर ट्रांसफॉर्मर कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेट हो रहा है तो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज किस में होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा पढ़िए। इफ द ट्रांसफॉर्मर कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेटेड मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। जब भी ट्रांसफॉर्मर कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेट होता है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज जो होता है वो वाइंडिंग में होता है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन आएगा सी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एसएससी जेई में इस साल किसी शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है पावर ग्रिड में, याद रख लेना, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज वाइंडिंग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज एन इंसुलेशन इन पावर ट्रांसफॉर्मर। हाँ भाई, पावर ट्रांसफॉर्मर में कौन सा मटेरियल इंसुलेशन की तरह यूज होता है, इंसुलेशन की तरह कौन सा मटेरियल यूज होता है पावर ट्रांसफॉर्मर में? ऑप्शन ए टेप ऑफ ग्लास, ठीक है, ऑप्शन बी सिंथेटिक रेजिन, ऑप्शन सी बॉन्ड पेपर, ऑप्शन डी प्रेस बोर्ड, और डी होता है ऑल। तो ये सारे के सारे पावर ट्रांसफॉर्मर के इंसुलेशन के लिए यूज होते हैं, ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कॉपी में नोट कर लेना, कॉपी बना लो इनकी, कॉपी बना लो, पीजीसीआईएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यूपीपीसीएल तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऐसे अजीब से। अब क्योंकि ना देखो इंसुलेटिंग मटेरियल इतने सारे होते हैं, तो यूपीपीसीएल ऐसे ही पूछता है कि आप कंफ्यूज हो। अगर जो बंदा इसको पहली बार देखेगा ना इस क्वेश्चन को कि ट्रांसफॉर्मर पावर ट्रांसफॉर्मर में इंसुलेशन मटेरियल कौन से यूज होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये यूज होता है, ये यूज होता है, ये यूज होता है, बॉन्ड पेपर यूज होता है, सारे यूज होते हैं ये। ठीक है, अब देखो क्या पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कलर ऑफ फ्लैश ड्राई इलेक्ट्रिक ऑयल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज। जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल यूज होता है ना, तेल यूज होता है कूलिंग और इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका रंग क्या होना चाहिए फ्रेश ड्राई इलेक्ट्रिक ऑयल का? तो उसका रंग क्या होता है? ऑप्शन ए ग्रीन, गलत है, ऑप्शन बी ब्लू, गलत है। ठीक है ना, ब्लू कलर तो किसका होता है? सिलिका जेल का। ठीक है ना, पर यहां पे पूछा क्या है?
यहाँ पे पूछा है डाई इलेक्ट्रिक ऑयल का, डाई इलेक्ट्रिक ऑयल पूछ रहा है ये, सिलिका जेल नहीं पूछ रहा। सिलिका जेल यूज होती है ब्रीदर में, वो अलग चीज है, ये डाई इलेक्ट्रिक ऑयल पूछ रहा है। यूपीपीसीएल ऐसे ही काम करता है, ठीक है ना। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आजकल ऐसे ही पेपर बना रहे हैं, बंदा पढ़ कुछ और देता है और ऑप्शन कुछ और कर देता है। देखो ब्लू भी लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज ना होना, उसने ऑयल पूछा हुआ है यहाँ पे, ये तेल पूछा हुआ है, घुसी ना खोपड़ी में बात, ये तेल पूछा हुआ है। तेल पेल येलो कलर का रहता है, तेल कैसा रहता है, पेल येलो, ऑप्शन सी आएगा ये, पेल येलो कलर का तेल पूछा है उसने, सिलिका जेल नहीं पूछी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइरल कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर आजकल बड़ा फेमस हो रखा है। स्पाइरल कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। पिछली बार जिस शिफ्ट में मैं बैठा था यूपीपीसीएल के, उस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था स्पाइरल कोर वाला, इसीलिए इसको इस वीडियो में भी डाल दिया, ठीक है। जो बंदा इन एमसीक्यू की कॉपी नहीं बनाएगा, ठीक है, वो एग्जाम सेंटर से रो के आएगा इस बार, पीजीसीआईएल के पेपर में भी वो रोएगा कि काश मैं आशीष सर की वीडियो देख लेता, ठीक है। तो ये स्पाइरल कोर का ऑप्शन आया हुआ है पेपर में, ध्यान देना। स्पाइरल कोर ट्रांसफॉर्मर हैज एडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है स्पाइरल कोर ट्रांसफॉर्मर के, ध्यान से देखना पहले। पहले इसके लिए ना मैं आपको वो दे रहा हूं थोड़ा सा टाइम, ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, तो स्पाइरल कोर ट्रांसफॉर्मर के सारे एडवांटेज होते हैं क्या क्या। एक तो लेस वेट होता है, इसका वेट कम होता है, ऑप्शन बी। लाइटर कंस्ट्रक्शन, यस, हल्की कंस्ट्रक्शन होती है और मिनिमम लॉसेस होते हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा, डी। पीजीसीआईएल ने अगर इस बार पूछा, डी टिक करके आना, लेकिन डी टिक वही करेगा जिसने इसके या तो स्क्रीनशॉट ले रखे हो या फिर कॉपी बना रखी हो, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट और कॉपी बनाने में मैं किसको बढ़िया मानता हूं, मैं मानता हूं जो बंदा कॉपी बनाता है वो ज्यादा फायदे में रहता है। क्यों? स्क्रीनशॉट से क्या होता है कि स्क्रीनशॉट आप कभी कभार क्या होता है, जल्दी जल्दी में जब आपको अपने फोन की मेमोरी को कम करना पड़ता है, शॉर्ट करना पड़ता है, तो डिलीट करनी पड़ती चीजें, कभी कभी क्या होता है स्क्रीनशॉट गलती से डिलीट हो जाता है। लेकिन कॉपी तो ऑफलाइन होती है, कॉपी तो आपके कमरे में पड़ी होती है, ठीक है ना। तो कॉपी बनाने वाला बंदा हमेशा बढ़िया आदमी होता है, स्क्रीनशॉट वाला भी बढ़िया होता है, लेकिन स्क्रीनशॉट डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो इनको कॉपी में लिख लेना, और रिवाइज करते समय खोपड़ी में ज्यादा अच्छी तरह घुसता है कॉपी से, ठीक है, ठीक है। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोनिक करंट इन अ ट्रांसफॉर्मर कोज, हार्मोनिक करंट ट्रांसफॉर्मर में क्या करता है कि इंक्रीज कोर लॉस करता है, बिल्कुल सही है, कोर लॉस को करता है। इंक्रीज आई स्क्वायर आर लॉसेस को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक इंटरफेरेंस विद द प्रोटेक्टिव रिले, ठीक है, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कॉज करता है प्रोटेक्टिव रिले के साथ। नेक्स्ट होता है डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो हार्मोनिक करंट ट्रांसफॉर्मर में हमेशा सारी की सारी चीज करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पीजीसीआईएल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पीजीसीआईएल इतना डेप्थ में नहीं जाता, ट्रांसफॉर्मर के हार्मोनिक करंट तक इतना वो नहीं जाएगा, लेकिन यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और ये क्वेश्चन बनना बन सकता है, ठीक है, अभी तक तो नहीं बना है पर बन सकता है। दोबारा बता रहा हूं, हार्मोनिक करंट इन अ ट्रांसफॉर्मर कॉजेज, हार्मोनिक करंट ट्रांसफॉर्मर में क्या करता है, इंक्रीज करता है कोर लॉसेस को, यस, इंक्रीज करता है आई स्क्वायर आर लॉसेस को, यस, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस विद द प्रोटेक्टिव रिले इसको भी इंक्रीज करता है, और डी, ऑल ऑफ द अबव, सबको इंक्रीज करता है, और डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि इफ द ट्रांसफॉर्मर इज स्विच्ड ऑन टू द वोल्टेज मोर देन द रेटेड वोल्टेज, अगर ट्रांसफॉर्मर को स्विच ऑन करें वोल्टेज मोर देन द रेटेड वोल्टेज, यानी रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज पे एकदम से ट्रांसफॉर्मर को स्विच ऑन किया गया, तो क्या इफेक्ट होगा, पावर फैक्टर विल डिटोरिएट, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है पावर फैक्टर विल इंक्रीज, ऑप्शन सी है पावर फैक्टर रिमेन्स अनइफेक्टेड, ठीक है। अब जरा देखिए, पावर फैक्टर विल डिटोरिएट, पावर फैक्टर विल इंक्रीज, पावर फैक्टर विल अनइफेक्टेड, तो ऑप्शन आएगा पावर फैक्टर विल डिटोरिएट, अगर ट्रांसफॉर्मर को स्विच ऑन करे वोल्टेज मोर देन द रेटेड वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जल्दी से करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा जल्दी से करिए। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स इन्वॉल्व इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज, जो वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व होती है ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन में
वो कौन सी होती है, वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, ठीक है। तो वैल्यू जो फ्लक्स की इन्वॉल्व होती है ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन में, वो होती है मैक्सिमम वैल्यू, तो ऑप्शन आएगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये ना स्कॉट कनेक्शन बड़ा स्पेशल कनेक्शन होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी स्कॉट कनेक्शन के बारे में पीजीआई जेई का जो पेपर हुआ था, अभी एक हॉस्पिटल का, एक हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में पीजीआई, उसके जेई का पेपर हुआ था, उसमें स्कॉट कनेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था, उसको यहां पे ले लिया है मैंने, और ये पावर ग्रिड में भी पहले पूछा जा चुका है, और ये ना एग्जामिनर का वन ऑफ द फर्स्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है कि जो स्कॉट कनेक्शन होता है ये किस लिए यूज होता है ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। तो ऑप्शन है थ्री फेज को टू फेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, थ्री फेज सप्लाई को टू फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, थ्री फेज को डीसी में या फिर डीसी को थ्री फेज में या डी ऑल में। तो याद रखना स्कॉट कनेक्शन यूज होता है थ्री फेज को टू फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए, ऑप्शन आएगा ए, ठीक है, थ्री फेज को टू फेज में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यूपीपीसीएल ऐसे बना के भी दे सकता है आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए जरा, इन विच सेक्शन ऑफ यूपी सर्विस इलेक्ट्रिसिटी कमीशन, यानी विद्युत सेवा आयोग के, ठीक है, विद्युत सेवा आयोग के किस सेक्शन में हाइएस्ट रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, हाइएस्ट रेटिंग ट्रांसफॉर्मर किस सेक्शन में यूज होता है विद्युत सेवा आयोग के। ऑप्शन ए जनरेशन, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन, और ऑप्शन डी ऑल, ठीक है। तो हाईएस्ट रेटिंग का जो ट्रांसफॉर्मर यूज होता है यूपी सर्विस इलेक्ट्रिसिटी कमीशन में, वो होता है जनरेशन सेक्शन में, ठीक है, जेनकोज में, ठीक है। हर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो, हर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो जनरेशन यूनिट होती है उसमें 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 हाईएस्ट रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर, हाईएस्ट रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक के थे, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था सारा का सारा, ठीक है। और होपफुली आपको ये सारा समझ के आया होगा, आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट में और लेके आऊंगा। अच्छा, फोटो डायोड का लेक्चर ना प्रिपेयर हो चुका है, कल मिल जाएगा आपको या परसों मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। साथ साथ में बीच में एमसीक्यू भी लाता रहता हूँ, फैक्ट वीडियो भी लाता रहता हूँ। फैक्ट वीडियो है स्किल टेस्ट होती है ना जो आईओसीएल वगैरह उनके लिए होता है फैक्ट, ठीक है, तो वो वीडियो भी आएगी, फैक्ट वीडियोस भी आएंगी। आज एमसीक्यूज था, एमसीक्यू एंजॉय करिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्योरी लेक्चर चल रहे हैं, बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यू भी आएंगे जब थोड़े से मशीन्स के हो जाएंगे, ठीक है, तो अच्छे से आप करिए, ठीक है। लाइव भी आता लेकिन आपकी वजह से नहीं आ पा रहा, सब्सक्राइबर कम है ना, 1000 हो जाएंगे जिस दिन, तो उस दिन लाइव भी आऊंगा, लेकिन लाइव में इसीलिए नहीं आ पाता क्योंकि मैं रोज पढ़ाता हूं, लेकिन मैं लाइव इसलिए नहीं आ पाता, उसके दोषी भी आप ही हैं, क्योंकि आप मेरे चैनल को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। जैसे जो बंदा देखता है ना मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब भी कर ले, तो ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे अगर दो तीन तीन चार महीने में भी लाइव आ पाया, तो लाइव आके भी ऐसे एमसीक्यूज करा पाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।